तो बच्चे क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि अब लॉकडाउन के अंदर आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन स्टडी करें, अपने घर में रहकर स्टडी करें, क्योंकि अभी कोई उम्मीद नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस कब तक खुल पाएंगे। और जब तक सारी सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती, कंडीशन सही नहीं होती है, तब तक स्कूल का खुलना मुश्किल है। और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं, फिर भी ज़्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर से स्टडी करें। तो इस साल आपको कैसे स्टडी करने, क्या वो टाइम टेबल होना चाहिए, इस बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान रहे, आपको ऑनलाइन स्टडी इस साल से नहीं है, काफ़ी समय से बच्चे कर रहे हैं, 2-3 सालों से ऑनलाइन स्टडी में काफ़ी ट्रेंड देखने को मिला है, काफ़ी बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं। और ऑनलाइन स्टडी जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब से करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, पर मेनली इस समय यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको काफ़ी लेक्चर्स मिलते हैं, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी वहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बच्चे भी यहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं वो सब बच्चे पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं, अनअकैडमी से खरीद सकते हैं आपके पास, और ये बहुत सारी साइट्स हैं, वेदांतु है, इस तरह के बहुत सारे आपको अवेलेबल हो जाते हैं जैसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, अगर आप जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फॉलो कर सकते हैं एयर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पर आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे जेई मेंस, बीट सेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स, और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको नेट से ऑलरेडी मिल चुका रहता है। पहले आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको गूगल पे हर एक चैप्टर के अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आराम से मिल जाएगा। या आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्मूले की जो शीट्स होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं, या वो यूट्यूब है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अगर बुक्स की, तो बुक्स के ध्यान रखना आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जो बच्चे क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी ज़रूरी है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप एक अच्छी बुक ले सकते हैं। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा इनफ है। अगर बोर्ड के लिए बात करें तो बोर्ड्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है। फिजिक्स के लिए आपको एक अच्छी बुक्स चाहिए ताकि एनसीईआरटी को आप समझ सकें, उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल होती है तो बच्चों को समझ नहीं आते, तो आपको एक अच्छी बुक लेनी है, अच्छी रेफरेंस बुक लेनी है जहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। ऐसा ले सकते हैं, प्रदीप ले सकते हैं, और भी अच्छी अच्छी बुक्स आपको मिल जाएंगी, डी से पांडे मिल जाएगी, अच्छी बुक्स हैं जो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। आप गाइडेंस ले सकते हैं, गाइडेंस लेने के लिए आपको टीचर चाहिए। ध्यान रखना, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के अंदर अपने टीचर्स के कॉन्टैक्ट में रहना, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट्स हैं वो रोज़ क्लियर करने, आपके जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करने हैं। और आप हो सकते हो रिक्वेस्ट करें टीचर्स कि वो एक डाउट सेशन जरूर रखें, हर एक हफ्ते में एक दिन डाउट्स क्लियर करने के लिए एक अलग से टाइम देना चाहिए टीचर्स को, ताकि बच्चे जो अपने डाउट्स पूछ सकें। क्योंकि पहले आप सभी क्लास के अंदर डाउट्स नहीं पूछ पाते, काफ़ी बच्चों की थोड़ी झिझक होती है कि हम क्लास में कैसे डाउट पूछें। अब आप घर में हैं, ऑनलाइन है, तो आप इजीली अपने डाउट को पूछ सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका है, अपने डाउट जरूर क्लियर करने हैं। फिर आपको बात आता है कि आप कितने घंटे पढ़ें, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कितने घंटे स्टडी करें, तो आपको कम से कम 7-8 घंटे पढ़ने ही है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, शुरू से आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको अगर आप रोज़ 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप इजीली अच्छे स्कोर जो है हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 7-7 घंटे बहुत होते हैं अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो। हाँ, अगर आपने आपके पास सारा टाइम नहीं है, आपके पास कम महीने रह गए, तो आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ता है, पर अभी के लिए 7-8 घंटे काफ़ी रहेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, पर लेकिन मिनिमम आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, तो आपको किस तरह पढ़ना है। आप जो है अपने टाइम टेबल को इससे थोड़ा सा शेड्यूल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इससे को बिल्कुल फॉलो करना है, बस मैंने आपको सभी को एक तरह से एग्जांपल देगा किस तरह पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। सबसे बात करते हैं सुबह की, तो आपको सुबह 8 बजे से अपनी स्टडी शुरू कर देनी, ध्यान रखना इस चीज़ का। सुबह क्या होता है, हम फ्रेश होते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है, सुबह की स्टडी बहुत अच्छी होती है। अगर आप सुबह स्टडी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो स्टडी का जो रिटेंशन होता है हमारे अंदर रहता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे क्लियर करने के लिए हमें सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है। आपको सुबह 8 बजे से स्टडी कर देनी है। यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिया फिजिक्स, यहाँ मैं उन बच्चों की बात करूँ जिन बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात होने वाली है। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को काफ़ी टाइम भी लगता है और समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिजिक्स को आपको सबसे पहले लेना है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फिजिक्स पढ़ सकते हैं, 2 घंटे का टाइम बहुत होता है। इन 2 घंटे के अंदर आपको एक चैप्टर ले लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी बुक करनी है। आप सभी जानते हैं फिजिक्स के अंदर 2 बुक्स हैं आपकी क्लास 12th में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, तो दोनों पार्ट में से आपको किसी एक पार्ट को पहले फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो तो आप पहले पार्ट फर्स्ट कर सकते हैं या पार्ट सेकंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है। मान लीजिए आपके स्कूल में पार्ट सेकंड पहले कराना है तो आपको पार्ट सेकंड करना है।
अगर आपके स्कूल में पार्ट फर्स्ट चल रहा है तो आपको पार्ट फर्स्ट को फॉलो करना है। तो आपको एक चैप्टर लेना है, यूनिट लेनी है कि मुझे आज ये वाला चैप्टर शुरू करना है। उस चैप्टर को शुरू करना के साथ साथ उस चैप्टर पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करना है। उस चैप्टर के आप लेक्चर देखने लगे आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यूट्यूब से लेक्चर देखें, उसको समझें कि उस चैप्टर में क्या है। आपको बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत अच्छे चैनल्स अवेलेबल है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और वहाँ से आपको फिर आप जो है फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा ब्रेकफास्ट का, जो कि आपको 10 से 11 के बीच आप जो है फ्रेश हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, है ना। जिससे क्या होगा आपको एक तरह से एक ब्रेक मिल जाएगा स्टडी के बाद, 2 घंटे के स्टडी के बाद आपको एक ब्रेक चाहिए होता है तो वो ब्रेक आपको मिल जाएगा। फिर आपको दोबारा 11 से 12 पढ़ना है। यहाँ मैंने इंग्लिश लिया क्योंकि इंग्लिश थोड़ा इजी सब्जेक्ट होता है, तो आपने यहाँ फिजिक्स पढ़े 2 घंटे, एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप जो है इजी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं 1 घंटा इंग्लिश आपको आराम से। इससे क्या होगा हमारा जो माइंड है वो इजिली जो चीज़ों का वो गेटअप कर पाता है। अगर आप बार बार हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ने में, तो यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं और 11 से 12 इंग्लिश पढ़ सकते हैं। फिर आपको 1 घंटा फिर से ब्रेक लेने के लिए आपको मैंने यहाँ पे टाइम दिया, 12 से 1 जो है आप ब्रेक ले सकते हैं। इस 1 घंटे के अंदर आप जो है अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ताकि जो आपका माइंड जो है वो दोबारा से रीसेट हो सके। फिर आपको 1 से लेकर 3 के बीच मैथमेटिक्स करने का, बाद बायोलॉजी, तो आप बायोलॉजी कर सकते हैं। तो 2 घंटे देने बहुत जरूरी होते हैं मैथमेटिक्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर टाइम बहुत जरूरी होता है, तो आपको 2 घंटे मैथमेटिक्स करना बहुत जरूरी है, जिनका ध्यान रखना है। उसको अगर करते हैं, अगर आपके पास 3 बजे के बाद आप जैसे हमने मैथमेटिक्स से बायोलॉजी कर लिए, अब यहाँ पे आप 3 से लेकर 5 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हैं, आप सो सकते हैं। कई लोग कई बच्चे सोते हैं जो दोपहर को नैप लेते हैं, तो आप नैप ले सकते हैं, या फिर आप बाकी कोई काम कर सकते हैं जो आपको जरूरी काम है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको शाम के टाइम 5 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है, शाम के समय भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 5 से लेकर 7 बजे तक के बीच आप जो है केमिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं, केमिस्ट्री हमारा रह गया तो आप केमिस्ट्री को शाम के 5 से 7 पढ़ सकते हैं। और जैसे आपकी 7 बजे जाएंगे, आपको 2 घंटे आपने केमिस्ट्री को दे दिए, इनफ होते हैं 2 घंटे, है ना, दिन के अंदर। उसके बाद कर सकते हैं, उसके बाद रात को आपको 9 से 10 अपना सारा रिवीजन करना है। चाहे तो आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए रिवीजन कर तो आप इसे 8 से 10, 8:30 से 10 भी कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना कि 10 या 10:30 के ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 10 से 10:30 के बाद आपको सोने की कोशिश करनी, क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना होता है। तो 9 से 10 क्या कर सकते हैं, आपको जितना भी आपने पढ़ा है सबको रिवीजन करना है। अगर मेन चीज़ रह गई, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे आप हिंदी कर रहे हैं, तो जैसे हिंदी आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे के पास रहते हैं, तो उन सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना है, उन सब्जेक्ट्स को आपको फ्री टाइम में करना है। मैंने आपको फ्री टाइम दिखाया हुआ है, आपको कुछ समय फ्री टाइम है, तो यहाँ पर नॉन स्टडी आवर्स आपके पास मैंने इसमें जो नहीं जो मैंने छोड़ दिया, जो मैंने टाइम नहीं लिया स्टडी के लिए, वो है 10 से 11, 12 से 1, 3 से 4, ये 4.5 घंटे मैंने आपको दिए, इसमें 6 घंटे हैं। तो 6 घंटे आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन 6 घंटे के अंदर अंदर आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपने आपके बहुत ज़रूरी काम है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जाना है, बहुत काम रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप कंप्लीटली फॉलो कर पाएंगे, रोज़ टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाते मैं जानता हूँ। तो अगर किसी दिन फॉलो नहीं हो पा रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने कि मैंने आज टाइम टेबल फॉलो नहीं करा, अगर आज नहीं हो पाया तो कल को उसको आपको उसी तरह से मैनेज कर लेना है। अब यहाँ आपका 6 घंटे फ्री है, 6 घंटे में आप जो टाइम है उसे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम करना है, वो काम अगर आपने करा है और आपको पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो पढ़ाई आपको इन 6 घंटे के अंदर अंदर कर लेनी है। तो ये 6 घंटे इसलिए ताकि आपको अगर आपके बाकी सब्जेक्ट है, हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो सब्जेक्ट आप इनके अंदर कर सकते हैं। जो टाइम मैंने आपको छोड़ दिया जिस टाइम में हम स्टडी नहीं करेंगे, तो इन टाइम के अंदर जिन बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट है वो बच्चे इसको कर सकते हैं। ध्यान रखना है हर एक दिन आपको रिविजन जरूर करना है, जो आपने आज पढ़ा है उसका रिविजन जरूर करना है। तो इस तरह आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इजिली आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अनअकैडमी प्लस है, अनअकैडमी है, या फिर वो आपको वेदांतु है, और भी बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, मेरिट नेशन है ना, काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। पर जो पेड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल अनपेड है, जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपको हर एक क्लास के लेक्चर मिलेंगे, चाहे वो 11th है, चाहे वो 12th है। 11th 12th के लिए PCM के लिए सारे लेक्चर अवेलेबल है, इंग्लिश के लिए भी आपके पास सारे लेक्चर अवेलेबल है। आप इजिली स्टडी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आप यूट्यूब से सारे लेक्चर देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। आपको समझ आए, कोई भी आपको डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।